गोवर्धन मनसा देवी पर बच्चों द्वारा किया गया माता रानी का जागरण। गोवर्धन मनसा देवी के मंदिर पर मैया का जागरण कराया गया, जिसमें की तरह तरह की झांकियां, अद्भुत भजन और भी बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे देख सभी भक्त अभिभूत हो गए। गौर देने वाली बात यह रही, माता रानी के भजनों के माध्यम शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। उनके परिवार को देवी माँ का आशीर्वाद मिले, ऐसी सभी भक्त व भजन गायक कामना की। जागरण पार्टी के मालिक राजकुमार पाठक ने बताया कि यह वह इस प्रोग्राम को गोवर्धन में करीब 12 साल से कर रहे हैं और उनके प्रोग्राम करने में अलग ही आनंद आता है। उन्होंने यह भी बताया कि गोवर्धन में मन मंदिर सच्चा अद्भुत है। जो भी यहाँ पर आकर सच्चे दिल से कोई मुराद मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। उन्होंने जागरण करा रहे भक्तों की बड़ाई की और कामना की कि मुझे कोई भी बुलाएगा, मैं जरूर आऊँगा। गोवर्धन में प्रोग्राम करना बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने यह इस जागरण में शहीद हुए देश के लालों के बारे में भजन को इस जागरण का स्पेशल भजन बताया। क्या नाम है आपका? नाम मेरा भैया राजकुमार पाठक है। यहाँ पर क्या आयोजन हो रहा है? यहाँ माँ भगवती का विशाल देवी जागरण हो रहा है। तो यहाँ पर जो माँ भगवती का विशाल जागरण हो रहा है, तो कहाँ की पार्टी आई हुई है? ये पार्टी भैया हाथरस से, राजकुमार नारायण पार्टी हाथरस से आई हुई है। तो यहाँ पर आप कितने प्रोग्राम कर चुके हो अपने ब्रज में? मैं अपने आपको बता दूँ, यहाँ 12 साल में जो गंडू ने साथ हुए मनसा देवी पर हो गया। तो यहाँ पे जी आपको यहाँ प्रोग्राम 12 साल से लगातार करते हुए आ रहे हो, आपका कैसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे? यहाँ ऐसा लगता है कि वास्तव में साक्षात जो ठाकुर जी के दरबार में भगवती का मनसा मैया का दरबार ही लगता है वास्तव में। हाँ जागरण हम लोग बहुत करते हैं, जगह जगह होते हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में पूरी रात मनसा मैया की, ये तो सिद्ध पीठ है, यहाँ तो आनंद आना ही आना है। ये तो गोवर्धन जगह ऐसी है, आपको बता दूँ यहाँ तो सिद्ध पीठ है, यहाँ तो आनंद आना ही आना है। बराबर में गिरिराजी महाराज मौजूद है, बराबर में मनसा देवी मौजूद है, यहाँ तो आनंद आना ही आना है। यहाँ कोई आनंद की आवश्यकता ही नहीं, कलाकार भी ना हो तो आनंद आना है, भगवती मालिक है यहाँ तो सबकी। तो आप ब्रज में कितने प्रोग्राम कर चुके हो? यहाँ भैया ब्रज में कोई गिनती नहीं है, आपको बता दो। तो कौन कौन सी जगह पे आपके प्रोग्राम हो चुके हैं यहाँ ब्रज में? जिले को वैसे ब्रज में आपकी कौन कौन सी जगह पे प्रोग्राम हुआ? ब्रज में आपको बता दूँ, परसाना, गोवर्धन, दाऊजी, वृंदावन, गोकुल, महावन, पूरा ब्रज 84 कोसी मान लीजिएगा। आज के जागरण में आपका विशेष कौन सा भजन रहेगा? आज के जागरण में जो भजन रहेगा आपको बता दूँ, वो भजन आपका पुलवामा हमला जो हुआ है, जितने भी शहीद हुए हमारे, उन शहीदों के लिए ऊपर के लिए ये गोवर्धन वालों की तरफ से लोगों को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी। मतलब आप शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में, आप भजन के रूप में आप उनको श्रद्धांजलि देंगे? जी हाँ जी हाँ, मैं नहीं, भारत पूरे भारत देश की जितनी भी अपने लोग हैं भारत के रहने वाले, उन बच्चे बच्चे की क्या मन की इच्छा है, वो आज यहाँ एक चीज के माध्यम से लोगों को बताई जाएगी। हमारे भारत देश की बच्चे बच्चे की दिल की आशा क्या है, मन में उनके में क्या है, वो आज उस भजन के माध्यम से यहाँ जो है बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर देवी का प्रोग्राम कर रहे हो, तो कुल हमले के अलावा आप यहाँ पे अपनी जो भी कमेटी है उनके लिए क्या संदेश छोड़ना चाहते हो? ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे ये प्रोग्राम हर साल कराते हैं, और कम से कम 12 साल से मैं यहाँ मनसा देवी पर आ रहा हूँ, और इन लोगों का वास्तव में मनसा देवी के प्रति इतनी ये लोग मेहनत करते हैं कि वास्तव में अगर हर आदमी अगर इन लोग इनकी तरह अगर मेहनत करने लगे तो वास्तव में ठाकुर जी का माँ भगवती की कृपा इन बच्चों के ऊपर, छोटे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, आपको बता दूँ इन बच्चों ने इस प्रोग्राम को इतना हाईलाइट कर दिया है कि हम लोग भी सोचने पर मजबूर रहते हैं कि वास्तव में हर बार कलाकार चेंज करके यहाँ लाए जाते हैं, तो लोगों को सिर्फ इन बच्चों की मेहनत की वैसे ही।